हो ही नहीं सकता ये बात, तो कुछ भी बोल रही है, ये सच हो नहीं सकता। अगर ये सच है ना तो ये वर्ल्ड का 8th वंडर है। कैसा कैसा है 8th वंडर? यस। तो बर्डीज आज हम जा रहे हैं एक वंडरलैंड में। पता है यहाँ पे लोगों के चार चार पाँच पाँच फीट के बाल होते हैं। 5 फीट के बाल? अरे यहाँ पे संकेत और उमेश की हाइट इतनी नहीं है 5 फीट की। ऐसा क्या बोलते हैं हम लोग? अभी तो हम जाने वाले हैं वहाँ पर जो बहुत दूर है हमारे जगह से। हम जाने वाले फ्लाइट से और एयरपोर्ट पे आते ही मुझे लग गई है भूख। पता नहीं यार इसको हर जगह जाके भूख ही क्यों लगती है यार। हर जगह क्या पता यार, आधे मेरा आधे पैसे खत्म हो गए इसके पेट में भरते 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 भरते। अभी और थोड़े भरते तो देखा हमने कितना कम खाना ऑर्डर किया। हम किधर भी जाके कुछ खाते हैं क्या संकेत? कुछ नहीं खाते। हमारे साथ कौन है? आज हमारे साथ है आकाश और गुड्डी। एक्चुअली गुड्डी का प्रॉब्लम ये हो रहा है कि गुड्डी के बाल बहुत गिर रहे हैं। तो गुड्डी को टकला होने से बचाने के लिए हम जा रहे हैं ऐसी जगह पर जहाँ पर उसको सोल्यूशन मिलने वाला है। दोस्त हो तो ऐसे। एक्चुअली गुड्डी के सर के बाल नहीं गिर रहे, गुड्डी के आईब्रो के बाल गिर रहे। आपको पता है गाइस, लड़कियां जैसे लड़के रोज दाढ़ी करते रहे, हमारी गुड्डी भी रोज मॉर्निंग में उठ के अब तुम्हारी बकवास कर ये है वो लड़की। चलो अभी खाना शुरू करते हैं। मेरी सीट आई है वहाँ पे और अक्षदा वहाँ पे अक्षदा और मेरी सीट यहाँ कॉर्नर और बाजू बाजू। तो सॉरी अक्षदा, तुझे उधर जाना। मेरी गर्लफ्रेंड है वो मेरे बाजू में। ऐसे अलाउड नहीं होता, ऐसे वो ट्रेन में चलता है इधर। ये हमारी ट्रेन है, ये हमारी ट्रेन है, भागो। मेरी शैंकी की बाजू में बैठूंगा। निकलेंगे खाल। चलो देखने चलते क्या है वो, आपको दिखा दे। चलो। अरे यार कब आएगा यार, कितने धूप है यार प्रीति। कोई नहीं दिख रहा मुझे, ये दिख रहा है इसके तो इतने से बाल है यार। पांक वो देख उमेश। अरे कौन चल रहा है, ये कौन है? इतने बड़े बाल कैसे हो सकते? ओह माय गॉड। सुनिए रुकिए ना, रुकिए रुकिए। आपके इतने बड़े बाल कैसे हो गए? इतने बड़े बालों का कुछ रास तो हो रहेगा ना? रास तो है ना मैडम, जड़ी बूटी का तेल है। तेल है? ये तो खुद बनाते हैं, खुद यूज करते हैं। तो हमें दिखाएंगे आप? कहाँ मिलता है? चलो चलो चलो, कंपनी है जड़ी बूटी का, निंजा टेक्निक है कुछ। चलो चलो हमें दिखाओ ना, चलो चलो चलो। अरे आपने बोला यहाँ आने को, हम यहाँ पे आगे बताओ ना इस बालों की निंजा टेक्निक। एक काम कर दे यहाँ पे कोई। अब ये आदिवासी सुदेश अरवला आपका है क्या? मतलब आप ही सुदेश जी हो? ये बहन है हमें यहाँ लेके बोला आपके पास ना कोई बाल बड़ा करने का निंजा टेक्निक है। कौन सा है ये? तो ऑयल है, ऑयल से इतने लंबे बाल बन जाते हैं। 108 जड़ी बूटी से ऑयल बनता है मैडम। 108 जड़ी बूटी? बाप रे, इतनी जड़ी बूटी होती मुझे आज पता चला। वही अभी इस ऑयल के अंदर। तो आप करते कैसे हो? मतलब ये उधर हम तो सारे जड़ी बूटी 108 जड़ी बूटी जमा करता है। जमा करते हो? बनाते हैं सारा, 12 घंटा जला के बनाते हैं हम लोग। 12 घंटा? मुझे ना देखना है वो कैसे बनाते हैं। हाँ ठीक है चल। गाइस आप देख सकते हो यहाँ पर जड़ी बूटियों के साथ ये तेल पक रहा है और इतने बड़े पतीले में हो रहा है। ये कितना ऑयल रहेगा इसके अंदर? ये हजारों लीटर है, 1000 लीटर। 1000 लीटर ऑयल बन रहा है यहाँ पर। अभी कच्चा जड़ी बूटी डाल के पक चुका है। अच्छा, अभी सूखा जड़ी बूटी डालेंगे। अभी सूखी जड़ी बूटी, जड़ी बूटी पड़ेगी। पहले कच्चा जल गया है। हाँ हाँ, बाद में सूखा डालते हैं। हल्लू हल्लू हल्लू। ओह एक खन्ने
लगता है? सारा 12 घंटा बनता है। 12 घंटे तक आप पकाओगे इसको? पकाओ, हाँ पकाओ, सारा एक दिन चल जाएगा। ओह माय गॉड, 1000 लीटर बनता ना, एक दिन हो जाएगा। 1000 लीटर बनाने के लिए एक दिन पूरा जलेगा ये 12 घंटे तक? 2 गैस खत्म होगा, 2 सिलेंडर जाएंगे। हाँ, और मैं हम लकड़ी में जलाता पहले। हाँ, अभी बारिश का मौसम है ना, तो इसलिए आप गैस यूज़ किया। आप देख सकते हो यहाँ पर बन रहा है और थोड़ा यहाँ पर बन के रेडी भी है। ऐसे ब्लैक हो जाता है, पूरी तरीके से ब्लैक हो जाता है। ब्लैक होता है ना, वही ओरिजिनल पक चुका है। गाइस ये वाला ऑयल अभी रेडी हो चुका है, अभी इसको पैकिंग करके दिखाते हैं। इसी तरीके से इस ऑयल को पूरी तरीके से पैक किया जाता है और बॉक्स में डालकर आप देख सकते हो यहाँ पर कितने सारे ऑयल को पैक किया जा रहा है। ओके, तो आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे ना रखे हुए है 2000 पैक किए हुए प्रोडक्ट और वहाँ पे रखे हुए 1000 प्रोडक्ट अलग से। तो सोचो लोगों को किस लेवल का ट्रस्ट है कि यहाँ पे 3000 ऑर्डर प्लेस किए जा रहे हैं। यहाँ पर इतने बड़े पतेले में बना रहे अपने ऑयल का कुकिंग प्रोसेस तो देख लिया कि वो बनता कैसे है। आप ना मुझे बताइए कि ये ऑयल यूज करने से हमें तो पता चल गया बाल तो लंबे होते हैं, मतलब और क्या क्या होते हैं इसमें? खुजली, खरवा, डैंड्रफ और जो बाल गिरता है, झड़ता है, टूट रहा है, वो पूरा रुक जाएगा। अच्छा, बाल मतलब थिक भी होता है? थिक भी होता है, मोटापन भी करेगा बाल। अरे वाह, मतलब ये ऑल इन वन है, एक ऑयल सारे प्रॉब्लम बालों के सॉल्व। पर मुझे ऐसा लगता है कि ये ऑयल सिर्फ औरतों के लिए या आदमियों के लिए है कि नहीं? लेडीज जेंट्स को दो भी लगाओ सर, कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब देखो हमारा भांजा भी है, देखो इनके बाल देखो। और बोलिए मत कि आपने अपने दाढ़ी में भी लगाई है। दाढ़ी में भी लगाया सर, दाढ़ी में भी लगाया। क्या बात है, मेरे दोस्त को देखो इधर से दाढ़ी नहीं आ रही है। अरे वो संकेत, तुझे तो सच में जरूरत है। तो आप मुझे बताए ना, ये ऑयल मतलब आपका है लेकिन हमने ना देखा है कि ये ना फेक भी मिलते हैं। बहुत सारा फेक चल रहा है, हमारे नाम लेके बदनाम करा है, बड़ा बड़ा कंपनी उठा लिया है, फ्लिपकार्ट, अमेजो, मीशो, मतलब अमेजोन, मीशो, फ्लिपकार्ट में जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो फेक है? अच्छा, वो आपका नहीं है? मेरा नहीं है। तो अगर मुझे ओरिजिनल कैसे मंगाना है फिर? ओरिजिनल मंगा सर, आपको कॉल करो, जानकारी लो, आपका एड्रेस भेजो, वहीं पर घर बैठे कॉल करके आप ऑर्डर कर सकते हो। और मुझे मैंने देखा है कि आपकी वेबसाइट भी है। हाँ, लेफ्ट साइड में, वेबसाइट से भी आप हम ऑर्डर कर सकते हैं। उसमें मेरा फोटो रहता है। अच्छा, पूरा उसमें डिटेल मिल जाएगा, उसमें भी ऑर्डर कर सकते हैं। मतलब अगर आपको ये प्रोडक्ट ऑर्डर करना है तो आपको सिर्फ ये होल्डिंग में दिए हुए नंबरों पे ही कॉल करना है या फिर वेबसाइट में ही जाना है और फिर ही ऑर्डर प्लेस करना है, तो ही वो जेन्युइन प्रोडक्ट रहेगा। तो ये ऑयल का ऐसा कुछ एज लिमिट है क्या कि ये यूज कर सकते हैं? एक साल से बच्चा तब के 100 साल का ऊपर को लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। अरे वाह, मतलब ये फैमिली ऑयल है, मायरा शौर है, दोनों को लगाएंगे, दोनों की चंपी घिसे क्या घर पे जाके। आप तो बच्चे से लगाए है? अच्छा, 3 साल बच्चे थे, 3 साल से स्टार्ट किया है। अभी बच्चे से स्टार्ट किया तो आगे उसका बाल मजबूत रहेगा, लंबा करेगा। मुझे पता है कि बच्चे इतने परिवार को लगाओ, बच्चे को छोटा छोटा बच्चा हो उसको लगाओ, वो तो बहुत एडवांटेजेस है, उसको लगाओ पूरा, ये आगे उसका बाल बिल्कुल खराब नहीं होने आगे बढ़े। हम तो ऐसी लगाते, हमारा बच्चा भी पैदा होता है ना, एक साल से होगा तो शुरू कर देता है हम तेल लगाने। पर मुझे एक बात बताइए, ये जो सारी जड़ी बूटी है ये तो कोई राजस्थान में भी ये इजीली तेल बना सकता है ना? राजस्थान में कैसा जड़ी बूटी वो पता नहीं है। यहाँ पर बोलता है ना नेचुरल होता है, कभी कभी बारिश, कभी ठंडी मौसम बारिश रहता ना, वहीं पर मिलता है। अगर राजस्थान में रेगिस्तान में कहाँ मिलेगा? तो मतलब आपके कहने का मतलब ये जो प्रोडक्ट है ये सिर्फ मैसूर के ही डिस्ट्रिक्ट, मैसूर अपना ऊटी इलाका, ऊटी, मैसूर, अपना कोडग, मडकेरी, वो सभी एरिया ठंडी रहता है, झाड़ी जंगल ज्यादा होता है। अच्छा, कभी भी देखो हरा रहता है, वहीं पर जड़ी बूटी मिलता है। ओके, मतलब ये प्रोडक्ट यही मिलता है इंडिया में और कहीं नहीं बन सकता ऐसे करके। ओके, तो मुझे बताएंगे ना ये पूरा ऑर्डर करने का प्रोसेस होता कैसे है? नंबर पे कॉल करो, व्हाट्सएप में एड्रेस लिख के दीजिए, और मैं में भी एड्रेस दे सर, ऐसे हम बुक करके दे दे सर। अच्छा, तो यहाँ पे इनको ऑर्डर मिलते हैं फिर ऐसे करके मिलता है सर? अच्छा, तो बॉडीज अभी ना हम लोग हेयर ऑयल देखे हैं और उसके बाद लिटरली इट्स अ हिडन जेम। सीरियसली, आप जरा नजारा देखिए। देखो तो यहाँ पे है, यहाँ पे ना एक्चुअली एक टिबेटियन पूरे कम्युनिटी रहती है यहाँ पे, और यहाँ पे है उनकी पूरी सोसाइटी। तो अभी हम ये एक्सप्लोर करने वाले और देखने वाले यहाँ पे क्या क्या है। तो फाइन
फाइनली हम पहुंच गए हैं बैंगलोर एयरपोर्ट में और ये इतना अमेजिंग एयरपोर्ट है ना, बहुत ही सुंदर है। तो जहाँ हम गए थे आदिवासी हेयर ऑयल देखने के लिए, तो वहाँ पे हमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला। जो सुदेश जी है, जो फाउंडर है उस हेयर ऑयल के, तो उन्होंने हमें सारी चीज़ें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की। अगर आपको भी हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप भी इस प्रोडक्ट को ज़रूर लेना, उसकी सारी डिटेल्स हमने दे के रखी है। यस, हमने खुद जाके देखा तो प्रोडक्ट 100% ओरिजिनल प्रोडक्ट है। यस, तो अगर आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ इसे ढेर सारे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। बाय।